हेलो यूट्यूब, और कैसे है? बढ़िया सब। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कभी भी ऑनलाइन चीज लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा प्रोडक्ट ले, कौन सा ना ले, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, उसका रेंज भी ठीक होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ जब लास्ट वीक मैंने स्पोर्ट्स शू वगैरह और कुछ और चीजें बाई करनी थी, तो स्पोर्ट्स शू के मामले में मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि यार कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसका जो रेंज है वो भी कम हो, 500-600-700 तक मैं खर्चने को रेडी था, इससे ज्यादा मैं नहीं खर्चना चाहता था। ठीक है, तो मैंने सोचा यार कि अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जो ड्यूरेबल भी हो और उसका जो प्राइस है वो भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो मैंने 10-15 मिनट 20 मिनट लगे मुझे सर्च करने में, और दो तीन प्रोडक्ट जो है मैंने चूज करके रखे साइड में। तो जब एंड में उनमें से एक प्रोडक्ट चूज किया, तो उसका जो रिव्यूज वगैरह थे वो भी अच्छे लगे मुझे, और उसका जो प्राइस था वो भी बहुत जेन्युइन था, लाइक 400-474 रुपीज़ में, 474 रुपये में मैंने वो शूज मंगाए। उसकी MRP जो बॉक्स के ऊपर लिखी हुई है वो तो है 700 रुपये, राइट? तो बहुत ही कम प्राइस में मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट, मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो जब मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, मेरे पास आ गया था लास्ट वीक, मैंने उसको यूज़ किया, एक हफ्ता मैंने रेगुलरली उसको पहना है, 2-3 घंटे जब जिम टाइम में, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे जिम जिम के समय में और रनिंग टाइम में मैंने उसको पहना है। तो आज उसको दिखाई देता हूँ मैं आपको, तो उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग अगर शू वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो आप भी कन्फ्यूज होंगे, तो इस वीडियो को देख के आपको थोड़ी बहुत जो है मदद मिल जाएगी। तो ये है शू और ये है शू का बॉक्स। तो सबसे पहले ये शू के बॉक्स को आपको दिखा देता हूँ मैं कि कैसी इसकी पैकिंग आई थी। तो ये नॉर्मल सी ब्रांडिंग है कंपनी की, नॉर्मल सा कार्टन लगा हुआ है, और इसके अंदर ये एक पेपर के ऊपर प्रिंटेड पेपर है ये, जिसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर जो शू थे इसके रैप किया हुआ था, और शू के अंदर भी एक जो है रफ सा पेपर था जो कि इसकी शेप खराब ना हो वो डाला होता कंपनी ने। तो ये नॉर्मल सा इसका बॉक्स है, कुछ ज़्यादा हाई फाई इसकी पैकिंग नहीं है। एंड ये जैसे कि आपको बताया था मैंने पहले अभी कि 700 रुपये इसका जो MRP लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और कलर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर है, स्टाइल कोड है, डायमेंशन, ये जो भी उनकी डिटेल है। तो मैंने 11 नंबर ऑर्डर किया था, एंड 11 नंबर क्योंकि मैं पहनता हूँ, और होता क्या है कि कई बार अगर हम अच्छे ब्रांड का अगर आप शू ऑर्डर कर रहे हैं वो तो आपको सेम साइज हर बार आ जाता है, राइट? बट अगर आप कोई लोकल ब्रांड यूज करते हैं, कई बार 11 नंबर मंगवाया तो वो टाइट हो जाता है, तो उसका आपको 12 नंबर, मुझे मुझे पर्सनल ये प्रॉब्लम आती है, 11 मंगवाऊं तो टाइट हो जाएगा तो 12 मंगवाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन शू लेना प्रेफर नहीं करता था, बट मैंने इस बार सोचा कि चल ट्राई करके देखते हैं। तो 11 नंबर मैंने मंगवाया, और मैं इस वजह से खुश हूं कि इसका 11 नंबर तो पहली बात मुझे पूरा एग्जैक्टली फिट आया, जो कि मेरा साइज है, तो 11 नंबर ना मुझे लूज है ना मुझे टाइट है, सबसे पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, मुझे शू में क्या प्रॉब्लम आती है मेनली, जो ये सोल है यहाँ से इसकी ग्लू जो है निकल जाती है, राइट? आई नो कि एक हफ्ते में इतना पता नहीं लगता, बट स्टिल जो मैंने इसको यूज़ किया है, जिस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है रफली, राइट, मैं जानता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये शू बहुत ड्यूरेबल है। मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी इसके ऊपर पढ़े थे, तो रिव्यूज़ भी पॉजिटिव थे ज़्यादातर, एंड ये शू मुझे लग रहा है कि ये एक ड्यूरेबल शू है। और इसमें और क्या प्रॉब्लम आती है इस चीज़ की, ये चीज़ भी सामने से जो है निकल जाती है, सोल का ही पार्ट है ये भी, और इसकी ग्लू भी जो है निकल जाती है, और ये भी इसी 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 चीज़ से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है शू की, राइट? तो अगर शू के बारे में, इसके सोल के बारे में बात करें, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, लाइक इतना सॉफ्ट नहीं है कुछ भी लगेगा और ये सोल ख़राब हो जाएगा, बट स्टिल ये सॉफ्ट है, लाइक एज अ कुशन एक्ट करता है। जब आप हम रनिंग करते हैं या चलते हैं तो एक तरीके से हमें ज़्यादा फील नहीं होता पैर के ऊपर, ज़्यादा थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट जो है ये देता है सोल। तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी है कि इसका सोल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, राइट? क्योंकि जो लोकल, मैं आपको बता दूं, मैं अगर आप 400-500 में कोई शू अगर आप खरीदते हैं, तो नॉर्मली मैंने देखा है, क्योंकि मैंने लिए भी हुए हैं एक बार, तो उसका जो सोल है वो काफ़ी टाइट होता है, लाइक कई बार जो होता है मार्बल के ऊपर या टाइल्स के ऊपर आप चलते हैं तो स्लिपरी भी होता है। तो मुझे अभी तक इसमें स्लिप वगैरह होने की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, राइट? तो उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी ब्रांडिंग की हुई है शू के अंदर, तो 11 नंबर भी लिखा हुआ है इसके अंदर। और इसके जो एक और मेन चीज़ जो है ये चीज़ है कि इसके जो तस्मे कहते हैं हम पंजाबी में इसको, राइट? तो शू लेस जो हैं
इसकी लेंथ भी एग्जैक्ट है। कई बार होता है कि लेंथ बहुत छोटी आती है शूलेस की, तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल के टाई करना पड़ता है हमें शूलेस को। तो इसकी शूलेस की लेंथ भी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन तो आपने देख ही लिया है। डिज़ाइन तो इतना मायने भी नहीं रखता क्योंकि अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ लेते हैं डिज़ाइन तो हमें सामने दिख ही जाता है। तो इसकी स्टिचिंग क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वो है क्या कहते हैं जोड़ लगा हुआ है इसका। क्वालिटी स्टिचिंग क्वालिटी की भी अच्छी है, इसमें कोई देखने में तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है इसमें। और एक हफ्ता यूज़ करने के बाद आप देखिए। और एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि जब आप काफ रेज लगाते हैं, ठीक है, पिनियों की जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपका शू जो है यहाँ से बेंड होता है, राइट। आपको मैं थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ कि जब आप लगाते हैं काफ रेज तो आपका शू यहाँ से ऐसे बेंड होगा, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीक दो बार जो है मैंने थाइस की और काफ्स की इसके लगाई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी ज़्यादा जो है इसकी शेप वगैरह ख़राब नहीं हुई है। एक हाँ एक आध लाइन तो इसकी हर शू के ऊपर पड़ती पड़ती है, आप जो मर्जी अच्छा ब्रांड का शू ले लें। तो हर ये सिर्फ ये इतना डिफरेंस देखने को मिला है मुझे, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क भी नहीं आया है। तो अगर आप एक कम अमाउंट में 400-500-600 के अंडर अगर आप कोई शू लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए इस ब्रांड को, ना कि सेम मॉडल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इस ब्रांड को एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं मैं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं थी, मैंने चीज़ मंगवाई, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसका जो वेट है वो भी बहुत लाइट वेट है, तो अगर आप कोई लाइट वेट शू देख रहे हैं लाइक एग्जैक्टली इतना लाइट भी नहीं है कि लाइक फेदर की तरह भी नहीं है, बट इसका जो वेट है जेनरली लाइट वेट शू है। और अगर आप कोई लाइट वेट शू सही अमाउंट में देख रहे हैं कि आप अपने बजट में देख रहे हैं और इसकी क्वालिटी ड्यूरेबल शू देख रहे हैं तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। मेरी सिर्फ सजेशन है आपसे, बट ये रिव्यू मैं एक हफ्ते यूज करने के बाद बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता एक महीने बाद या तीन महीने बाद छः महीने बाद इसकी क्या हालत होगी, राइट। तो अभी तक जो मुझे इस शू के बारे में फील हुआ वो यही है कि ये शू मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक मेरा साथ देने वाला है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए बनाई थी मैंने कि अगर आप कोई शू वगैरह बाय करना चाहते हैं और सही रेंज में बाय करना चाहते हैं, अगर आप 2-3 हज़ार खर्च सकते हैं फिर तो आप कोई बड़े ब्रांड की तरफ भी जा सकते हैं, बट अगर आप 400-500-600 में कोई चीज़ देख रहे हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को खोल लीजिए, उसमें आपको ये वाला शू और इस ब्रांड के और शूज़ जो हैं वो भी दिख जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।